अरुणाचल के लोगों के ऊपर गलत तरीके की कमेंट करने के बाद अभी सोशल मीडिया में कुछ और लोगों को हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन नेशनल एंथम का अपमान करते हुए देखा गया है। इसराइल की तरफ से ATAGs के मुकाबले लगभग 40% कम कीमत पर अपनी एथोस गन्स को ऑफर करने के बाद ATAGs की फ्यूचर ऑर्डर के ऊपर इसका किस तरीके का असर पड़ने वाला है। अब सब जानते हैं कि भारत अभी डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या क्या कंडीशन होने वाले हैं जिनको आधार करके आगे चल के डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लिया जा सकेगा। रशिया के क्लेम के मुताबिक रशिया की S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स को भी मार के गिरा सकता है। और अंत में इसराइल की आयरन डोम सिस्टम ने अपनी एक ड्रोन को मार के गिराने के बाद इसकी फ्रेंड एंड फॉय सिस्टम के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पर जाने से पहले एक वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिसको कुछ ही समय पहले ही मुझे ट्विटर में टैग किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि जो बंदा था इसका नाम आदित्य तिवारी है और ये पहले तो इंडियन आर्मी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था और साथ ही हमारी नेशनल एंथम का भी अपमान कर रहा था, और हमारी नेशनल एंथम को बजाकर उसने उसके सामने या तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था या फिर दारू पी रहा था। मैं आप सभी को एक बार उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप भी प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या चाहता है, सल्यूट करेगा क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और भाई को बंदूक दे दी। सुन मेरी बात। पहली बात तो ये कि अगर ये वीडियो एडिटेड नहीं है और इस बंदे ने जानबूझकर ये सब किया है तो ये सीधे तौर पर हमारी नेशनल एंथम का और इंडियन आर्म फोर्सेस का अपमान है। इसके अलावा इसके ऊपर भी और भी कई आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि ये हिंदुइज्म को टारगेट करता रहता है और ऐसे वीडियो वगैरह पोस्ट करता रहता है। तो दोनों ही क्षेत्र में देखा जाए तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और ऐसे चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो जिनको भी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी है तो वो हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सब शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर ट्विटर में मुझे आप फॉलो करते हैं या फिर नहीं भी करते तो आदित्य तिवारी सर्च करने पर आपको इसकी वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उसको जाके वहां पे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑफिसर को इसमें टैग करके इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हो सकता है ये आगे भी इस तरह की हरकत करते रहेंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी में अभी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है वो काफी पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि बोफर गन्स के बाद कभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस में नए गन्स को शामिल नहीं किया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में इनमें काफी सुधार आया है, लेकिन बीच में जो गैप रह गया था वो अभी भी हमको पूरी तरीके से मेकअप करने में कुछ टाइम और लगने वाले हैं। इसी बीच इंडियन आर्मी की जो फील्ड आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था, इसे आज से लगभग 14 साल पहले शुरू किया गया था और इसके अंदर बाय और मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर इनको खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन पिछले 14 सालों में ये टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया और आज भी ये टेंडर वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे 14 साल पहले पड़ा हुआ था। अब इस टेंडर के अंदर एल्बिट सिस्टम के एथोस गन और फ्रांस की नेक्स्टर गन पार्टिसिपेट कर रहे थे और इनको 2019 में इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट भी किया गया था, जिसके बाद इस टेंडर में एल्विट सिस्टम के एथोस गन को L1 बिल्डर घोषित किया गया था, क्योंकि ये जो गन थे ये अपने कंपटीटर्स के मुकाबले लगभग 40% के आसपास हमको सस्ते पड़ रहे थे। और अभी एल्विट सिस्टम की तरफ से भारत को काफी अट्रैक्टिव ऑफर भी दिया जा रहा है कि अगर स्टील में भारत आगे बढ़ता है तो वो इन गन्स को वक्त से काफी पहले ही भारत को डिलीवर करने वाले हैं और डील साइन होने के 10 महीने के अंदर ही वो भारत को पहले 6 गन को डिलीवर करने वाले हैं और 14 महीने के अंदर वो 6 और गन को भारत को डिलीवर करने वाले हैं। इसके अलावा इस डील की फाइनल होने के बाद लगभग 1580 गन में से पहले 400 गन को तो एल्बिट सिस्टम की तरफ से डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा, लेकिन बाकी सारे गन को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जाएगा और इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसमें लगभग 70% के आसपास वो इन गन की लोकलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर इन गन को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाता है तो आगे चल के ATAGs की फ्यूचर ऑर्डर के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है और मे बी आगे चल के ATAGs को बड़े अमाउंट में इंडियन आर्मी में शामिल करना कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, जबकि ATAGs भी एथोस गन्स के मुकाबले कम नहीं है। इनफैक्ट कई मामलों में एथोस गन के मुकाबले काफी बेहतर है, पर यहाँ पर प्राइस का एक ह्यूज डिफरेंस हमको देखने को मिलने वाला है, जिस वजह से हो सकता है ATAGs के बदले एथोस गन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा,
क्योंकि एटीए जिसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 16 से 18 करोड़ के आसपास पड़ने वाली, जबकि एथोस गन की यूनिट कॉस्ट इसराइल की तरफ से भी भारत को 10 से 11 करोड़ के बीच ही बताया जा रहा है, जो कि काफी कम होने वाली है। और अगर इसी वजह से इसराइल की इस गन को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो ये आगे चल के एटीएस की फ्यूचर के लिए काफी नेगेटिव असर डाल सकता है। लेकिन इसी महीने एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को भी इशू करने की बात सामने आई थी, और अगर इसमें आर्टिलरी गन्स को भी नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड किया जाता है तो हो सकता है आगे चल के भारत एथोस गन के बदले एटीएस को इंडक्ट करने वाला है। लेकिन फिर भी एथोस गन्स का इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस को हम एकदम से ना भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो वो इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनाने की बात कर रहे हैं, और साथ ही इन गन्स को अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और ये काफी सस्ते भी पड़ने वाले, जिस वजह से अभी इसराइल की तरफ से अपने इस गन को इंडियन आर्मी में शामिल कराने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फॉरेन लॉबी चल रहा है इसको एटीएस किस हद तक झेल पाएगा ये आगे चल के ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में किए गए नए बदलाव को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि अभी 2020 में जो नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को इशू किया गया था उसमें किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने के लिए जो प्रक्रिया थी उसे काफी हद तक इजी कर दिया गया था, और उसके बाद हम ऐसे कई डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर ले चुके हैं और आगे चल के भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग टैंकर से लेके ड्रोन्स तक भी शामिल है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात को लेके दो तरीके का मत रखते हैं, कुछ इसको सपोर्ट करते हैं तो कुछ इसका विरोध करते हैं। इसी बात को लेके कई बार ऐसा कहा गया है कि ये सब फंड की कमी होने की वजह से किया जा रहा, और भारत अभी फंड की कमी होने की वजह से अलग अलग डिफेंस सिस्टम को सीधे तौर पर खरीदने के बदले लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से काफी सारा क्रिटिसिज्म अभी चल रहा था। लेकिन अभी इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हुए बताया गया कि आखिर किस वजह से हम अभी डिफेंस सिस्टम को लीज पर ले रहे हैं और किस किस कंडीशन के अंदर हम डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर ले सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि अगर हमें कोई इक्विपमेंट की काफी जरूरत पड़ रही है, यानी कि इमरजेंसी बेसिस पर हमको जरूरत है, तो ऐसे में अगर हम उसे रेगुलर टेंडर के अंदर खरीदने की कोशिश करेंगे तो हमको उसको एक्वायर करने में सालों लग सकते हैं, और एक टेंडर को फाइनल करके हमको डिलीवरी मिलने में काफी सारा वक्त लग जाएगा। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन का ध्यान रखते हुए उन डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा कंडीशन ये कि अगर कोई इक्विपमेंट हमें बस कुछ ही समय के लिए चाहिए, यानी कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो ऐसे कंडीशन में भी उस डिफेंस इक्विपमेंट को या किसी भी तरह के इक्विपमेंट को लीज पर लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये कि अगर हमें कोई इक्विपमेंट बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए तो अगर उनको डायरेक्टली खरीदा जाता है तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, तो ये सब कुल मिलाकर हमको महंगे पड़ सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हम सिस्टम को सीधे तौर पर लीज पर ले सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को हम एक ही बार में कवर करने वाले हैं। फोर्थ कंडीशन ये कि अगर हमें कोई चीज या कोई इक्विपमेंट रेंटल में लेके बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो वैसे सिचुएशन में इनको एक ही बार में लीज पर लिया जा सकता है और लंबे समय तक लीज पर लिया जा सकता है। और फिफ्थ पॉइंट ये कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम को फ्यूचर में एक्वायर करना है और हम पहले उसके ऊपर थोड़ा टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं, तो वैसे सिचुएशन में एक्चुअल डील को फाइनल करने से पहले उस स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम को लीज पर लिया जा सकता है। अगला अपडेट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आप सब जानते हैं कि अभी रशिया की S-400 सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, लेकिन इसी बीच रशिया S-400 सिस्टम की फर्दर इम्प्रूव्ड वेरिएंट या उसकी फ्यूचर वेरिएंट को डेवलप कर रहा था जिसका नाम S-500 सिस्टम है। इन सिस्टम की रेंज S-400 सिस्टम के मुकाबले भी काफी बेहतर है और ये एयरक्राफ्ट के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स को भी काफी ज्यादा दूरी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। S-400 सिस्टम की जो मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज है वो लगभग 390 से 400 किलोमीटर है, लेकिन S-500 सिस्टम की बात करें तो इसका रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक होने वाला है। रशिया की अल्माज एंटे की तरफ से ये बताया गया था कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है, और अगर एक बार को 10 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी सेम टाइम में लॉन्च किया जाता है तभी एयर डिफेंस सिस्टम उन सभी को इंटरसेप्ट कर सकता है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स को भी मार के गिरा सकता है। रशिया का कहना है कि रशिया इसको अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उनके साथ मिलकर ऑपरेट करने वाले हैं, यानी कि वो भी एक मल्टी लेयर के एयर डिफेंस नेटवर्क को बना रहे हैं जो कि क्लोज रेंज से लेकर लो अर्थ ऑर्बिट तक को कवर करने वाले हैं। कुछ दिन पहले अल्माज एंटे की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि रशिया पहले से ही यूनाइटेड स्टेट के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर चुका है, और अभी S-500 सिस्टम के साथ रशिया ये भी क्लेम कर रहा है कि ये सिस्टम उनकी F-22 या F-35
जिसे एयरक्राफ्ट को आसानी से डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। रशिया का कहना है कि आगे चल के सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मिसाइल ऑपरेशन होने वाले हैं। अभी चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, रशिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होने वाली है। हाल ही में भी इसकी तरफ से 2020 के एंड में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट करने की कोशिश की गई थी जो कि सफल नहीं हुआ था, लेकिन आगे चल के उनके पास भी ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद रहने वाली। लेकिन रशिया पहला ऐसा देश होने वाला है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता होने वाली है। अगला अपडेट इसराइल की आयरन डोम सिस्टम को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ही हमास के साथ जो फाइट चल रहा था उस दौरान इसराइल की तरफ से आयरन डोम सिस्टम का काफी इस्तेमाल किया गया था, और आयरन डोम सिस्टम की वजह से इसराइल हमास की तरफ से फायर किए गए मैक्सिमम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे खबर सामने आए थे जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच इसराइल की आयरन डोम सिस्टम ने एक बार अपने एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसी बात को लेकर अभी आयरन डोम सिस्टम को कुछ लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं कि इसराइल की तरफ से ये क्लेम किया था कि आयरन डोम सिस्टम का जो फ्रेंड एंड फॉर सिस्टम है वो काफी बेहतरीन है, तो आखिर किस वजह से इस बार ये अपने निशाने से चूक गया था। अब इस बार जिस ड्रोन को आयरन डोम सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया था उसका नाम स्काईलैक ड्रोन है। ये बहुत ही छोटा लेकिन एफिशिएंट यूएवी है जिसका वजन बस 15 पाउंड के अंदर है, और ये किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में और डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। इनको इसराइल मेनली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करता है, और इतने छोटे होते हैं कि इनको इजीली डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है, और इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इनको काफी इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसी भी तरह की रेड मिशन के दौरान या फिर नॉर्मल सर्वेलेंस मिशन में या पेट्रोल मिशन में इनको इस्तेमाल किया जाता है जो कि लाइव वीडियो और लाइव डाटा को कंट्रोल स्टेशन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अभी जब इसराइल की खुद की एक आयरन डोम सिस्टम ने इस तरीके की ड्रोन को मार गिराया था, तो उसके बाद आयरन डोम सिस्टम के ऊपर सवाल उठना जायज है। अगर आयरन डोम सिस्टम का फ्रेंड एंड फॉर सिस्टम इस छोटे साइज के ड्रोन के लिए फेल हो सकता है तो बड़े और कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए भी फेल हो सकता है, और वैसे सिचुएशन में आयरन डोम सिस्टम कोई सिविल एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकता है। लेकिन इसको क्लैरिफाई करते हुए अभी इसराइल की मीडिया की तरफ से बताया गया कि ये जो स्काईलैक सीरीज के ड्रोन से या इस तरह की कोई भी छोटी साइज की ड्रोन होते हैं इनमें सोफिस्टिकेटेड फ्रेंड एंड फॉर सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं, जबकि बाकी किसी भी बड़े साइज की कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें, यूएवी की बात करें, तो उनमें सारे सिस्टम मौजूद रहते हैं। इसके कारण ये भी है कि बहुत ही छोटे साइज के ड्रोन होते हैं जिस वजह से इनमें IFF सिस्टम को इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता है, और एक मेजर कारण था जिस वजह से आयरन डोम सिस्टम यहाँ पे चूक गया था। और वैसे भी जब एक ही बार में इतने सारे इनकमिंग टारगेट को इंटरसेप्ट करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी सिस्टम से भूल चूक हो सकता है, और ऊपर से अगर उसमें IFF सिस्टम मौजूद ही नहीं होगा तो इतने डेंस एनवायरमेंट में गलती होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम को ही गलत बताना और उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से शायद गलत होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।